Hi guys, I am Sujit, PhD Research Scholar, University of Hyderabad. So, University of Hyderabad PhD notification आ चुका है, अभी application start हो गया. 1st August से लेके 14 September तक है, तो आप apply कर सकते हो. कुछ कुछ student का, कुछ कुछ department का entrance के through होगा, कुछ कुछ department NET GRF के through admission होगा. जैसे social science maximum entrance के through होगा. ये मैं बात करूँगा तो जैसे इंग्लिश, तेलुगू, उर्दू, अप्लाइड लिंग्विस्टिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, रीजनल स्टडी, इंडियन, हाँ, जेंडर स्टडी, इकोनॉमिक्स, डांस, ऐसे टोटल 22 डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी खुद एंट्रेंस कंडक्ट करेगा. एंड एंट्रेंस जो होगा अक्टूबर 19 एंड 20 को होगा. सो आपके पास नेट जीआरएफ नहीं है तो एक मौका है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीएचडी एडमिशन ले सकते हो. क्योंकि ज़्यादा से अभी यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से नेट जीआरएफ इज कंपलसरी, इस नॉट कंपलसरी मतलब इसका स्कोर के हिसाब से एडमिशन मिलेगा. बट यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के थ्रू, सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा यूनिवर्सिटी एक एंट्रेंस कंडक्ट कर रहा है. इसमें आप सब अच्छा कर दिया तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा. सो या एंड प्रपोजल रहता है 70% वेटेज दिया ही जाता है एंट्रेंस का, 30% रहता है प्रपोजल का. सपोज एंट्रेंस में थोड़ा ख़राब हो गया तो प्रपोजल में आप अच्छा प्रपोजल है तो आपका थोड़ा रैंक अच्छा आ जाएगा. द थिंक इज आप अप्लाई करिए, कुछ भी डाउट है मेरे को पूछ सकते हो. द थिंक इज पीएचडी ज्वाइन करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ कुछ स्टूडेंट का वही डाउट बहुत है. देखिए पीएचडी ज्वाइन करना इज ए नॉट ए स्मॉल डिग्री. पीएचडी मीन्स आपका डॉक्टरेट लगेगा जब आप पीएचडी कंप्लीट करेगा. सो द थिंक इज ये 3 to 5 years में कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड आप एक बार पीएचडी में ज्वाइन हो जाएगा तो एक लाइक ट्रैप जैसा फंस गया है. लाइक सपोज आप क्या करना था, मैं ज्वाइन लाइक आप प्रिपरेशन कर रहा था कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए एंड वहाँ पर नहीं हो रहा था, यहाँ हो जाऊँगा तो ये हो जाएगा. नहीं भाई, ये बहुत लाइक व्हाट आई एम सेइंग दैट्स, आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए. नहीं तो आप आएगा तो पूरा माइंड पूरा दही हो जाएगा, ऐसे हर टाइम टेंशन रहेगा. लाइक कोई टीचर लोग तो ऐसे 6 months में DRC रहता है, वो लोग तो बोलते रहेगा. बट काम करने के लिए जैसे मास्टर डिग्री में क्या रहता है ना, जैसे आपका एक सेमिस्टर आ गया, कुछ भी पढ़ाई किया, एग्ज़ाम दे दिया, पास हो जाएगा. बट पीएचडी में ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, रिसर्च पेपर, इसके बाद इसको राइटिंग लिख के फिर भेजना पड़ेगा, आपका रिजेक्टेड होगा, पेपर पब्लिकेशन नहीं होगा, बहुत टेंशन बढ़ते चल जाएगा. 1-2 साल बहुत लोग ऐसे लाइक मजा करते रहते हैं, लाइक हाँ करूँगा, लास्ट को आ जाएगा जब ईयर बढ़ते चल जाएगा तो टेंशन बढ़ते चल जाएगा. सो दैट्स द थिंग्स. आप पीएचडी में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पहले डिसीजन लो, शुड आई ज्वाइन और नॉट. क्योंकि सपोज आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा था, आपका होने वाला है मतलब 1-2 mark में कैटर जा रहे हो तो आप इसमें अच्छा रहेगा. तो 2-3 mark मतलब और 1 साल दीजिए, थोड़ा अच्छा मेहनत करेगा तो वहाँ पर हो जाएगा. एंड पीएचडी में ज्वाइन कर जाएगा ना, स्कॉलरशिप की वजह से लोग बहुत लोग ज्वाइन करता है. एंड स्कॉलरशिप की वजह से लाइक आपका सपोज एक मैं बात करूँगा मैनेजमेंट में, मेरा दोस्त लोग अभी 70,000 मिल रहा है. सो मैं यहाँ पर पीएचडी में बहुत कम से पैसा मिल रहा है. मैं लाइक मेरे को कभी कभी लगता है मैं छोड़ के मैं कॉरपोरेट में ज्वाइन कर जाऊँगा. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट व्हाट आई एम सेइंग. कभी कभी मेरे को लगता है नहीं मेरे को अच्छा डिग्री मिलेगा. एंड जो मैं भी जो रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट के हिसाब से रिसर्च कर रहा हूँ. सो वही है, सपोज आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. सपोज आप एक मेरा इंटरेस्ट है थोड़ा स्टॉक मार्केट के ऊपर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिसर्च करता हूँ, इस वजह से ज्वाइन किया है. सपोज कोई स्टूडेंट का लाइक राइटर बनना के लिए इंटरेस्ट है बट इसको फैमिली लोग सपोर्ट नहीं कर रहा तो पीएचडी ज्वाइन कर जाएगा, इस साथ साथ उसको भी आप काम में लगेगा. सो दैट्स द थिंग्स. एंड कुछ कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट अच्छा जॉब मिल रहा था, इसको छूट के आके पीएचडी ज्वाइन कर रहे हो. सो नहीं, आपका सपोज इंटरेस्ट है, सपोज बैकअप कुछ प्लान कर रहे हो, काम कर रहे हो तो इस पीएचडी में ओके, दैट्स ओके.
डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, आप किस में कर रहे हो क्या नहीं, आपका थोड़ा प्रॉब्लम जो भी है मेरे साथ वन टू वन कॉल में बात कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बात कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में रिलेटेड कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। चलो बाय।